आज अपने अपने स्कूल छोड़कर बांदा मुख्यालय पहुंचे शिक्षा मित्रों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए 25 जुलाई को काला दिवस मनाते हुए अपनी जान गंवा चुके शिक्षक मित्रों की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मान कार्य समान वेतन सहित शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 6 सूत्रीय मांगे रखी। वहीं शिक्षा मित्रों ने अपने आप को प्राइमरी अध्यापकों से बेहतर बताते हुए कहा कि यदि हमको समायोजित किया गया तो हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि इतने ही योग्य हैं तो अभी तक शिक्षा व बच्चों में सुधार क्यों नहीं हुआ। प्रश्न ये भी उठता है कि अपने समायोजन के लिए सरकारी अध्यापकों को बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। एक चीज आपने कही है कि अगर शिक्षा मित्रों को समायोजित कर लिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा, तो प्राइमरी स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी। दे दूंगी, वरना नहीं। तो क्या जो मास्टर हैं, जो ऑलरेडी, तो क्या उनसे नहीं सुधर सकती? वर्ष नहीं, आगे के वर्षों का भी मैं चैलेंज लेती हूँ। मैं उसी दिन नौकरी छोड़ दूंगी जिस दिन सहायक अध्यापक और हेडों ने स्कूलों का स्तर सुधार लिया। नहीं तो क्या प्रशिक्षित शिक्षकों से आप ज्यादा योग्य हैं? योग्य नहीं है। तो कैसे सुधरेगा, योग्यता के आधार पर या खाली आपके मानदेय के आधार पर? अनुभव के आधार पर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।